हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आफ्टर ट्रूप रिमूवल डिमांड, मालदीव सेज एंडिंग पैक्ट विद इंडिया ऑन वाटर सर्वे। तो ट्रूप रिमूवल के डिमांड के बाद मालदीव साफ बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वाटर सर्वे का जो पैक्ट था उसको एंड कर रहे हैं। बेरली अ मंथ आफ्टर आस्किंग इंडिया टू विदड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द मालदीव, द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, हुज पार्टी रोड द पावर ऑन एन इंडिया आउट, इनका एजेंडा ही इंडिया आउट था। पोल कैंपेन हैज़ डिसाइडेड टू रिन्यू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ द आइलैंड नेशन वाटर्स। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे याद रखना है हमें। द एग्रीमेंट साइंड ऑन June 8, 2019 व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द मालदीव्स एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, अलाउड इंडिया टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑन द मालदीवियन टेरिटरी वाटर स्टडी एंड चार्ट रीव्स, लगून्स, कोस्ट लाइन्स, ओशन करेंट्स एंड टाइड लेवल्स। दिस इज द फर्स्ट बायलेटरल पैक्ट दैट द न्यूली इलेक्टेड मालदीव गवर्नमेंट विच टुक चार्ज इन नवंबर इज ऑफिशियली टर्मिनेटिंग। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस थर्सडे, मोहम्मद फिरुजुल अब्दुल खलील, अंडर सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट द मालदीव प्रेसिडेंट ऑफिस, सेड द मुइजू गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अगेंस्ट रिन्यूइंग द हाइड्रोग्राफिक अरेंजमेंट विच एक्सपायर्स ऑन June 7, 2024। तो वैसे भी अब ये ख़त्म होने ही वाला है, 6 महीने बचे हैं, 6-7 महीने। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट, इफ वन पार्टी विश टू ड्रॉप द एग्रीमेंट द अदर पार्टी मस्ट बी इन्फॉर्म ऑन द डिसीजन 6 मंथ्स बिफोर द एग्रीमेंट इज सेट टू एक्सपायर। तो हाँ, 6 मंथ्स ही बचे हैं। देखिए, दिसंबर हो गया, जून 6th मंथ है आपका, तो 6 एंड हाफ मंथ्स आज के दिन से बचे हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म द एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली रिन्यूज फॉर दी एडिशनल 5 ईयर अदरवाइज। अगर ये चीज़ ये ख़त्म नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के लिए फिर से रिन्यू हो जाएगा। फिरुजुल सेड इंडिया हैज़ बिन इन्फॉर्म दैट द मालदीव्स डज नॉट विश टू प्रोसीड विद द एग्रीमेंट। सोर्सेस इन माले टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस दैट द मालदीव गवर्नमेंट हैज़ कन्वेड द मुइजू एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू द इंडियन हाई कमीशन देयर। अकॉर्डिंग टू द मालदीव्स न्यूज आउटलेट द सन, मुइजू मेड द डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग हिज कैबिनेट। द सन कोटेड फिरुजुल सेइंग द एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इट इज बेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी टू इम्प्रूव द मालदीवियन मिलिट्री कैपेसिटी टू कंडक्ट सच सर्वे एंड प्रोटेक्ट सच सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, इंडिया से ही तुम बचा लो और चाइना फिर तुम्हें आके हेल्प करेगा। कैसे गंवार से लोग हैं। इन द फ्यूचर हाइड्रोग्राफी वर्क विल बी कैरीड आउट अंडर 100% मालदीवियन मैनेजमेंट विद ओनली 1 मालदीवियन प्रीवी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ही सेड। Earlier this month, Muizu said the Indian government has agreed to withdraw its soldiers from Maldives. Sources in New Delhi had said the issue was briefly discussed in Dubai on the sideline of COP28 summit, where Muizu met Prime Minister Modi, and the discussion on how to keep the Indian helicopters and aircraft operations were ongoing, and the core group and the both sides had agreed to set up would लुक एट डिटेल ऑफ हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। तो ये भाई यही बात हो रही है पुरानी, इन्होंने बायलेटरल मीटिंग में दुबई में बोला कि भाई आप हटा लो, तो ये आगे बात हो रही है कि कैसे अब आगे का सेटअप किया जाए। मुइजू हैज चोजन टर्की एज द फर्स्ट फॉरन डेस्टिनेशन इन द डिपार्चर ऑफ द पास्ट मालदीवियन प्रेसिडेंट हु हैज चोजन इंडिया एज द फर्स्ट स्टॉप आफ्टर एंटरिंग ऑफिस। द आइलैंड नेशन हैज 2 हेलीकॉप्टर्स एंड एन एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड बाई इंडिया टू द मालदीव नेशन डिफेंस फोर्स MNDF फॉर एमरजेंसी मेडिकल एक्सकेवेशन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। देर आर 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव टू ऑपरेट दिस प्लेटफॉर्म। मुइजू वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोमिसिंग टू चेंज द मालदीव इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एंड रिमूव द प्रेजेंस ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल। तो ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मालदीव का भी था। तो अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सबसे पहले जो मालदीव था इनका, जो मालदीव है, ठीक है, अगर ये इंडिया है, यहाँ पे आप श्रीलंका देखिए, यहाँ पे अपना कौन सा आइलैंड है बताइए। 2 आइलैंड है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ये कौन सा, अंडमान निकोबार है ये? हाँ, नहीं ना, लक्षद्वीप है। गुड,
यहाँ पे आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाता है, यहाँ पे ये हॉर्न आ गया अफ्रीका का, मडागास्कर आ गया, यहाँ पे आपका मालदीव्स है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मालदीव्स है, माले। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, तो इसका भी पहले एक पॉलिसी था, जैसे हमने अभी देखा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था एक और चीज़, हाइड्रोग्राफिक सर्वे इंडिया के साथ था इसका, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, दो चीज़ होगी। और तीसरी 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वहाँ पर स्टेशन थे, तो ये 1 2 3। ठीक है, इसको तो इन्होंने पहले ही सोचा था, इसी के इंडिया आउट कैंपेन इनका जीतने का, मुइजू गवर्नमेंट का इंडिया आउट कैंपेन था कि इंडिया को हम लोग निकालेंगे यहाँ से, यहाँ से इंडिया 77 जो नेवी पर्सनल है उनको निकालेंगे। ये तो इनका इन्होंने कर लिया था डिसाइड, और इन्होंने ये बोल भी दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इंडियन फर्स्ट पॉलिसी से इन्होंने बोला है हम हटाएंगे अपना ध्यान, इंडियन फर्स्ट पॉलिसी नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो। दूसरी बात, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी इन्होंने बोला इंडिया क्यों, इंडिया को हम लोग सेंसिटिव डेटा नहीं देंगे। इंडिया जो है इसमें क्या पता चलता है, आप देखो वाटर स्टडी होता है, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर स्टडी होता है, चार्ट रीफ्स होते हैं, लगूनस होते हैं, कोस्ट लाइन, ओशन करेंट्स एंड टाइड लेवल्स, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी होती है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, उससे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। और क्या एक्टिविटी हो रही है आसपास सिक्योरिटी के लिए, मालदीव्स के और इंडिया के और इंडियन ओशन के सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी था, पर इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि इनको लग रहा है कि इंडिया से इनको सिक्योर करना है। करो सिक्योर, जब हम तो अपने कोस्ट लाइन पर बढ़िया से सिक्योर है। इंडिया के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, गुड न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है, गुड न्यूज़ इंडिया के लिए नहीं है, पर कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नुकसान जो होगा ना वो मालदीव्स को ही होगा, क्योंकि मालदीव्स को ये नहीं पता कि हमारी पॉलिसी क्या है। हम लोग कभी ऐसे एग्रेशन में आके आगे कभी किसी की टेरिटरी हमने ली नहीं है, ये हमारा पॉलिसी है ही नहीं। पंचशील में आप देखो हम बहुत पीस लविंग नेशन है, हमारा ये सब हरकत नहीं है जो चाइना का है। पर हाँ, अब इनका एंटी इंडिया इंस्टांस है और ये इसके ऊपर इलेक्शन जीते हैं, तो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो ठीक है करो, कभी ज़रूरत पड़ेगी हम तो खड़े ही हैं, हम तो हैं ही यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो ठीक है, यही चीज़ें थी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने बोला है कि हमें ये चेंज करना है, और ये नेवी पर्सनल्स इन्होंने, इंडियन नेवी मेरीटाइम पर्सनल्स इन्होंने हटाई दिए है, रिक्वेस्ट करी दी है। तो बस इतनी बात है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।